तू आ जा मेरी अखियों मामा, 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 सनी चुप कहाँ चले गए हैं? बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब बाहर हैं, चाय पी रहे हैं। excuse me. इसका मतलब मेरी मामा भी वहीं होंगी ना? जी, वो भी बाहर हैं। इतनी जल्दी उठ गई मामा, उन्होंने रेस्ट भी नहीं किया। फूफो को कहाँ नींद आनी है, वो तो बहुत एक्साइटेड है ना। क्या आप भी चलिए ना मिलने सबसे। हेलो, चाय पी लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर भारी हो रहा है। बेटा, अगर आपने चाय नहीं पीनी तो कॉफी बनवा दूं आपके लिए। नहीं मामी, I'm good. मुझे लगता है तुम्हें यहाँ आकर कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगने वाली यहाँ कोई बात ही नहीं है। सब तो अच्छे हैं, क्यों हम अच्छे नहीं है? अभी मैं आप लोगों को जानती ही कितना हूँ। अरे जान जाओगी बेटा, अब तो तुम्हारी शादी यही होनी, हमारे साथ ही रहना है तुम्हें। मजबूरी है। मजबूरी है तो फिर उसे समझो ना, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? मामा, मैं रिएक्ट कर रही हूँ कि आप नाराज कर दिया ना तुमने उसे। नहीं, बच्ची है, समझ जाएगी। हम लोग उसका रवैया देख रही हैं, किस तरीके से बिहेव कर रही है, उसे भी तो समझना चाहिए कि हमने किस मजबूरी में ये कदम उठाए। मारुख, ये सैंडविचेस तो खा लो। नहीं भाभी, अभी दिल नहीं चाह रहा। क्यों जबरदस्ती कर रही है खामखा, उसका दिल चाहेगा तो ले लेगी। अम्मा, चाय में चीनी तो ठीक है ना? तुम ज्यादा ही थी बेटा। अबीर, ए, अबीर, 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 ए, लिसन, लिसन, लिसन। What? क्या हो गया? किस बात की टेंशन है? मैं नानी के घर आई हूँ यार, रिलैक्स। आई नो कि मैं अपनी नानों के घर आई हूँ, बट मामा जिस तरह से मुझे लेकर आई है, फील्स वेरी एम्बैरेस्ड। चल लिसन, एम्बैरेस होने वाली कोई बात है नहीं। शादी वैसे भी तुम्हें कहीं ना कहीं करनी तो है ना। यू नेवर नो मुझसे होता है। Okay, sorry. Sorry. My bad. आइए। जी, दादू बुलाया आपने? जी, बैठिए। आपके पप्पो को बैंक जाना था, हमें अच्छा नहीं लगा कि घर वाले मौजूद हैं तो वो ड्राइवर के साथ जाए, तो हमने उनसे कह दिया है कि हन्नान ले जाएगा आपको। जी जी, मैं ले जाता हूँ। आपके पप्पो आपको बहुत मानती है, आपको याद है बचपन में कितने शरीर होते थे आप? जब आपकी अम्मी आपको डांटती थी ना, तो झट से पप्पो बीच में आ जाती थी कि भैया हमारा बेटा, इसे कुछ मत कहिए। जी, बहुत अच्छी है पप्पो। रबीर, कैसी लगी आपको? कैसी लगी मतलब?
वो भी अच्छी हैं। आपकी पप्पू बहुत परेशान हैं पप्पा की तरफ से। आप तो जानते ही हैं कोई बात ढकी छुपी नहीं है। तो वो अबीर के रिश्ते के लिए, बल्कि हमने ही उनसे कहा कि यहाँ आ जाए, यहाँ कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो हम शादी कर देंगे। लेकिन अब इतनी जल्दी में इतना मुनासिब रिश्ता मिलना मुमकिन नहीं है। आप मिजाज और अतवार के हिसाब से हमें अबीर के लिए बहुत मुनासिब लगे। अगर आप कहें तो अमीना और एजाज से बात करें हम। तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। कोई और लड़की पसंद है आपको? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने पसंद की है तो यकीनन बहुत अच्छी होगी। तो आप इनसे मिलेंगे, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। कब मिलवा रहे हैं फिर? तो अभी तो मैंने खुद नहीं बताया। अभी तक बताया नहीं आपने? क्यों भाई, क्यों नहीं बताया आपने? तो आपको पता है मुझे सब बातें अच्छी नहीं लगती। अभी हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए फिर आपने उनकी तरफ मेरा रिश्ता लेकर जाना है। किस जमाने की रूह मौजूद है आपके अंदर? आपके जमाने शरीफ। अच्छा दादू, अम्मा और अब्बी से भी आपने बात करनी है। जरूर करेंगे। वादा? पक्का वादा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन वो वक्त तो आने दीजिए। अच्छा अब जाइए, मारूफ इंतजार कर रही होंगी आप। Hello. Hello. You need something? No, I'm good. Okay. क्या हुआ? बोर हो रही हो? क्या एंजॉय करने के लिए कुछ है ही नहीं? अब ऐसा भी नहीं है, काफी कुछ है। एक्चुअली चलो मैं तुम्हें यहाँ की दुनिया दिखाऊं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। ओह कम ऑन, एक काम करते हैं, हम मॉल चलते हैं। यहाँ के मॉल्स दिखाता हूँ, बहुत अच्छे हैं। और खाने, you will love it. Let's go. नहीं, come on. तुम तो ऐसे act कर रही हो। अच्छा, okay. अगर तुम बोर हुई, मैं तुम्हें घर वापस drop कर दूँगा. Promise. Okay, मैं पर्स लेकर आती हूँ. Good girl. ये सब दिखाने के लिए आप मुझे बाहर लाए थे, मतलब इस सब में ऐसा क्या है? नहीं, मुझे लगा घर पे बोर हो रही हो, बाहर ले सकता हूँ फॉर अ चेंज। बोर तो मैं अब भी हो रही। कोई बात नहीं, दादू बहुत जल्द आपका ब्याह कर देंगे। ब्याह? या यू मीन शादी? नो चांस, मुझे यहाँ किसी लड़के से शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं वापस जाना चाहती हूँ। आई कांट स्टे हियर। और ये बात पप्पू को पता? मामा को मैं बता दूंगी, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप ये बताने के लिए मुझे बाहर लाए थे? नहीं। फिर? मैं तो ये पूछने आया था कि दोस्ती करोगी मुझसे? दोस्ती? नो वे, फ्रेंड्स के मामले में मैं बहुत चूजी हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत खास होते हैं। हमजा, हमजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? लीव माय हैंड। इसके बिटेंस हमजा, ऐसे नहीं, ऐसे लीव माय हैंड। नहीं करनी मुझे आपसे दोस्ती। घर चलें वापस।
हमजा आराम से गाड़ी चलाएं, तो गाड़ी आराम से चलाएं। क्या समझती क्या हो क्यों तुम? अरे मुझे लगा पाकिस्तान आई हो, बोर हो रही हो, कंपनी चाहिए तुम्हें, इसलिए अपनी दोस्ती ऑफर की। मरा नहीं जा रहा तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपसे दोस्ती करना या ना करना ये तो मेरा पर्सनल डिसीजन है, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? या व्हाटएवर। सच एन इडियट। सबको समझता क्या नहीं, जो जाना ही नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, ना मैं जाती और ना ये सब होता। यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। अस्सलाम वालेकुम। एवरीथिंग ओके? आपका कजन बहुत ही अजीब है। आपका भी तो कजन है। आई डोंट केयर। मिसबिहेव किया इसने आपसे, ऐसा ही है, फजूल में फ्रैंक हो जाता है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं उनकी तरफ से? सब बताएं हुआ क्या है। किसी से दोस्ती करना या ना करना ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, राइट? उन्होंने कहा कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं और मैंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं करनी उनसे दोस्ती। मैं उनको जानती कितना हूँ, इस बात पर वो मिसबिहेव करने लगे। आई डोंट नो। आई विल टॉक टू हिम, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। And again, I'm sorry. Yes, please. आपने सोचा भी कैसे मैं आपकी नवासी से शादी करूंगा? बुराई क्या है उसमें? अच्छाई क्या है उसमें? कोई और लड़की पसंद है आपको? ऐसा भी नहीं है। फिर क्या मसला? कोई और पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी हरी हरी लड़की से शादी कर लूंगा। अबीर तो बहुत अच्छी लड़की है। आपको लगता है ऐसा? बहुत नकचड़ी है वो। ठीक कह रहा है, गलती क्या है इसमें? इतनी जल्दी राय कायम कर लेते हैं आप लोग किसी के भी बारे में। माना कि वो बाहर पली बड़ी है, यहाँ रहेगी तो यहाँ के तौर तरीके भी सीख जाएगी। नो 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 नो, मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा ऐसा। अगर आपको कोई और पसंद होती तो हम कोई जबरदस्ती ना करते, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या कबाहत है? आप क्यों जोर दे रही हैं इस पर? Listen, मेरे साथ अगर किसी ने जबरदस्ती की, मैं घर छोड़ के चला जाऊं। मैं नहीं करूंगी शादी वादी जबरदस्ती की। बलि का पकड़ा हूं क्या मैं? मान लो यार, ठहरिए। What? क्यों? आपकी शादी अबीर से हो रही है और ये हमारा फैसला। बस हमने कह दिया तो कह दिया, आपकी शादी अबीर से ही होगी। आप लोगों को मारुख की परेशानी नजर नहीं आ रही, अपने ही तो अपनों का मान रखते हैं। तो दादा हमने ठेका थोड़ी उठा रखा है सबकी परेशानियां दूर करने का। मैं ये शादी नहीं करूंगा अम्मी, मैं पहले बता रहा हूं, समझा दे इनको। देख रही हैं आप अपने साहबजादे को किस कदर बदलिहाज हो गए? तो जाहिर सी बात है, जब बड़े जबरदस्ती मुसलत करेंगे अपनी मर्जी बच्चों पर तो यही नतीजा होगा उसका। खैर है, यहाँ क्यों बैठे? ओ हीरो सुनना, अब दादू का मसला क्या है यार? अच्छा आहिस्ता बोलो, चाहते ही चाहेंगे क्यों अपनी नवासी मेरे सर पे थूक रही है जबरदस्ती? मैं नहीं कर रही हूँ शादी, जबरदस्ती है। अरे शादी में खराबी क्या है? अच्छा नहीं, खराबी कोई खराबी नहीं है, तो तू कर लेना। देख तुझे पता है मेरी जिंदगी में सारा है। सारा है तेरी जिंदगी में? बात तो तू करता नहीं उसे। भाई तू नहीं समझेगा, तू रहने दे।
मैं इतनी बोरिंग लड़की से शादी कैसे करूंगा मैं? अच्छा, बोरिंग लड़की को दोस्ती की ऑफर करवाना ठीक है? शिकायत कर दी उसने उससे? Hey, listen, ये तो दोस्ती और शादी है ना, ये तो अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जिस लड़की से तू दोस्ती करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, उससे शादी करने में तुझे मसला है? हाँ तो डिफरेंट सोचता हूँ ना मैं, आउट ऑफ द बॉक्स। तेरा भाई डिफरेंट है, मुख्तलिफ सोचता हूँ, दुनिया से अलग नजर है उसका। तू मेरे मामलात में दखलंदाजी मत किया कर, समझा? भाई तेरे से ना बात आओ। अच्छा अच्छा तो बात करना दादों से यार, देख तेरी बात वो समझेंगे तो प्यार से समझाएगा कि हमजा अबीर से शादी नहीं करना चाहता, सिंपल है ना? तो मान जाएंगे, कोई और बड़ी का बकरा ढूंढ ले। अच्छा कर लूंगा बात, जाओ क्या? थैंक यू, ठीक है। मामा मैं आपसे साफ साफ कह चुकी हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं बस यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ और मैं आपके साथ चल रही हूँ, दैट्स इट। फिर व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड प्लीज मामा, मैं वहाँ किसी हॉस्टल में रह सकती हूँ, किसी फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट शेयर कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ यहाँ मैं हरगिज नहीं रुकूंगी। अबीर हम आपकी शादी करवाने यहाँ आए हैं। शादी किससे? हमजा से। अच्छा लड़का है, हसमुख है, पता नहीं आपको। मामा मैं हमजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, आई डोंट लाइक हिम, मैं उनसे शादी हरगिज नहीं करना चाहती, उनकी आदतें पसंद नहीं है मुझे, हर वक्त मुझसे फ्री होने की कोशिश करते रहते हैं, आज भी वो चाह रहे थे कि मैं उनसे दोस्ती कर लूं। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ लड़कों से दोस्ती करने के लिए आई हूँ? अबीर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आपकी शादी करके यहाँ से सुकून से वापस चले जाएं। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। अबीर हम आपको मुश्किल से बचाना चाहते हैं, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड प्लीज। आप हर वक्त सबके साथ बेजार क्यों रहती हैं, सब पे ऐसा इंप्रेशन क्यों डाल रही हैं कि जैसे हमने आपकी अच्छी तरबियत ना की हो? ऐसा क्या कर रही हूँ मैं जो सब ऐसा सोचेंगे? अबीर सबके साथ घुल मिल के रहें जैसे आप वहां रहती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही आप मुझसे क्या चाह रही है, लेकिन आप जो भी चाह रही है मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अब इनका लॉक लूज हो गया, आप हमें दीजिएगा, हम सही करवा देंगे। आप निकलिएगा बाहर तो ले जाइएगा। अमीना ने दादो खुदा हाफिज़, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं, बगैर मिले हमसे इधर तो आइए हमारे पास। कभी ऐसे गया नहीं जी। आज देर नहीं हो गई आपको? वो पहली दो क्लास नहीं थे ना, इसलिए लेट टाइम है। चलो खुदा हाफिज़। अच्छा इधर तो आइए, बैठिए हमारे पास। हो गया, अब जाओ। जाइए, खुदा हाफिज। ना मैं भी चलूँ आपके साथ यूनिवर्सिटी, मैं घर पे बोर हो रही हूँ। आप वहाँ क्या करेंगी? मेरी तो क्लासेस आप बोर होंगी। कोई बात नहीं, मैं आपकी यूनिवर्सिटी देख लूंगी, वहाँ घूम लूंगी प्लीज। अच्छा है नानी, इन्हें आप अपने साथ ले जाएं, इन्हें चेंज मिलेगा। जी ठीक है चले। लेकिन ख्याल रखिएगा ऐसा ना हो कि आप क्लास ले रहे हो वो आपको ढूंढती रह जाए। ओके आ जाए, मैं बाहर वेट करूं। अबीर बी केयरफुल। अम्मा हमजा होंगे ना वहाँ पे? जी जी हमजा तो हैं। बस ठीक है, आपने हमजा और हनान के साथ रहना है। मम्मा प्लीज डोंट वरी, आई टेक केयर, बाय, ला हाफिज। बच्चे कभी नहीं समझेंगे, चाहे वो जितने मर्जी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। अगर ये समझने लगे तो फिर बच्चे कैसे कहलाए? आप समझी अभी तक? ये क्या?
मतलब ये आपकी यूनिवर्सिटी? मुझे तो लगा था कुछ क्या हुआ इसे? अच्छी तो है। नहीं, ठीक है, मुझे लगा था। well, कैसा? अरे सुनो, आप हमारे गरीब खाने पे सहे नसीब। हाँ, घर में बोर हो रही थी, मैं साथ ले आया। हाँ, तेरी ऑफर का बुरा नहीं मनाया इन्होंने। हना ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं देखना चाहती हूँ। क्या फजूल टॉपिक लेके बैठ गया तू भी। अच्छा हमजा आ गया, तो इफ यू डोंट माइंड मैं क्लास ले आऊं? हां चल चल, आई विल टेक मी 40-45 मिनट्स। आई विल सी यू गाइस। चलें कहां? यू आर हंग्री? हां, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। क्यों? दोपहर हो गई। इतनी सुबह मुझे कुछ खाने की आदत नहीं। ओह ओके, यू वांट टू ट्राई बन कबाब? बन कबाब हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत फेमस है, ट्रस्ट मी। कैंटीन चलते हैं, रो खाते हैं। ओके, यू एंजॉय इट। स्पाइसी होता है थोड़ा सा। यू ओके विद दैट? थैंक यू। वॉच आउट गर्ल्स। ओके देयर यू गो, बन कबाब एंड टिश्यूज। व्हाट, क्या देख रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हैं, क्लास कौन ले रहा होगा? हो गया ना एक पढ़ने, हनान, उसको बहुत शौक है पढ़ने का। आपको नहीं है? मुझे बस इतना है कि यू नो पासिंग मार्क्स आ जाएं, ये किताबें चाटना मेरा काम नहीं है। अरे खाऊं? गुड वाला। ए लिसन, यू लुक सो प्रीटी, स्माइल भी अच्छी है आपकी। I know. इतना कॉन्फिडेंस? जो बात हमें पता होती है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे भी इन बातों से मैं इंप्रेस नहीं होती। तो आप खुद ही बता दीजिए आप किन बातों से इंप्रेस हुई हैं? आप जानकर क्या करेंगे? दादो चाहती हैं कि हमारी शादी हो जाए। मामा भी यही चाहती हैं। और आप क्या चाहती हैं? मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मामा को ऐसा लगता है कि मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ शादी है। मत कर लो शादी। मैंने कहा है ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लिसन, मैं भी तैयार नहीं हूँ, लाइक मरा नहीं जा रहा मैं शादी के लिए, बट यू नो आप इतनी बुरी भी नहीं है कि आपके बारे में ना सोचा जा सके। जब आप और मैं दोनों ही शादी नहीं करना चाहते, तो आई थिंक इस टॉपिक पे बात भी नहीं करनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। चीयर्स। चीयर्स। बोर तो नहीं हुए आज तुम? एक्चुअली नहीं, आपकी कंपनी इतनी भी बोरिंग नहीं है जितना मैंने सोचा था। रियली? अच्छा ही हुआ मैं अनान के साथ आप लोगों की यूनिवर्सिटी देखने आ गई, टाइम पास हो गया। खुद कहाँ गायब हो गया था वैसे वो? उन्होंने घर से आने से पहले ही कह दिया मुझे टाइम नहीं दे पाएंगे, उनकी क्लास थी खुली। बड़ा ही शौक है उसको पढ़ने का। अच्छी बात है, होना चाहिए। आपके क्या शौक हैं? आपके हॉबीज क्या हैं? आप फारिग वक्त में क्या करती हैं? मुझे भी पढ़ाई का बहुत शौक है, मुझे अच्छा म्यूजिक सुनने का शौक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ हैंग आउट करना पसंद है, और सबसे ज्यादा जरूरी मुझे खाना खाने का बहुत शौक है और सोने का बहुत शौक है। लाइक आई कैन स्लीप फॉर आवर्स एंड आवर्स। क्या हसीन इत्तेफाक है ये तो। अरे मुझे भी तो सब कुछ ये पसंद है। हाँ? अरे हमारी तो दोस्ती हो सकती है फिर ना? हमजा, दोस्ती ऐसे नहीं होती, दोस्ती के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बस हो जाती है, कहने से कुछ नहीं होता। काफी ब्लंट नहीं है आप। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ
और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, दिल में जो बात हो साफ साफ कह देनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये कहाँ घुमा रहे हैं आप मुझे, बस घर चलते हैं, एक्चुअली हम टायर्ड। बस क्यों बुलाया? थैंक यू बोलने के लिए। इसलिए? इसलिए कि तू अबीर को यूं नहीं लेके आया, तुझे क्या फर्क पड़ता है? बहुत अरसे बाद मैंने इतना एंजॉय किया यार, बड़ी डिफरेंस ही है वो। मतलब मुझे तो सारी लड़कियां कैसी लगने लगी थी। अच्छा, कैसे डिफरेंट? आई मीन स्मार्ट है, ज़हीन है, हसीन है। तो वो तो और भी बहुत लड़कियां हैं, किसी में कोई कमी होती है तो किसी में कोई। एक सेकेंड, तू कहीं अबीर से शादी के लिए राजी तो नहीं हो गया? ऐसा भी नहीं कहा मैंने, मैंने सिर्फ कहा डिफरेंट है शादी। क्या मैं शादी नहीं कर रहा उससे? व्हाट? देख हमजा, और क्या सच सच बता, क्यों पीछे क्यों पड़ गए? जे तू सच सच बता, क्या चल रहा है? ओफो मामा, क्या हो गया आपको? मैंने सिर्फ ये कहा था कि उनके साथ मैंने एंजॉय किए, उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं शादी के लिए राजी हूँ। फिर इतनी तारीफ की वजह? मामा, तारीफ करने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान जिसकी तारीफ करे उससे शादी कर ले। अमन, दिस इज माय लाइफ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, वापस जाना चाहती हूँ मैं। लिसन, उसके साथ एक दिन अच्छा गुजारने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं शादी करके सारी जिंदगी के लिए उसको सर पे बिठा लूंगा। नो माय फ्रेंड, नो भाई, कभी ना कभी किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना, वो अबीर से कर ले। अभी तो कह रहा था बड़ी डिफरेंट है, स्पेशल मशवरे अपने पास रखे। ये देख, माफ कर दे मुझे, बस कर दे। भाई नहीं, एक मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा सोचने दे मुझे, टाइम दे दे मुझे थोड़ा। और कब सोचेगा? जब अंदर से आवाज आएगी। हैं? अभी चुप करेगा तू? थोड़ी देर टाइम लेने दे मुझे, क्या है? अंदर से आवाज आएगी, वाह। आई डोंट नो मामा। तो चानी सोचिए ना, आप जानती हैं हमें वापस भी जाना है। मामा, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? आप इस तरह करिए जैसे मैं आप पे कोई बोझ हूं। ऐसा सोचती हैं आप? ऐसा क्यों सोचती हैं आप अपनी मामा के लिए? आप कभी भी बोझ नहीं हो सकती अपनी मामा पे। आपकी जल्दबाजी से तो यही लग रहा है। हरगिज नहीं अबीर, नेवर एवर मेरी जान। लेकिन आप अपनी मामा की पोजीशन समझने की कोशिश कीजिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमें सिर्फ आपकी फिक्र है, आपसे प्यार करते हैं हम। मगर हम मजबूर हैं, आप क्यों नहीं समझ रही कि आपकी माँ दो हिस्सों में बट चुकी है? शादी करके अपने घर चली जाओगी तो आपकी माँ खुश हो जाएगी, मुतमईन हो जाएगी। वरना तो आप जानती हैं कि आपको मामा, आप मुझे इस कॉम्प्रोमाइज के लिए मजबूर क्यों करें? आप कुछ भी समझिए अभी, लेकिन वाकई आपकी माँ बहुत मजबूर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज अबीर। अच्छा, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमजा से मेरी शादी आपके हर मसले का हल है तो ठीक है,
मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिर्जा। देखता मेरी अभी बहुत खुश रहेगी। तुझे लगता है मैं अभी से शादी करके खुश रहूंगा? देख यार, अभी जैसी दिखती है ना, वो अंदर से नहीं वैसी है। मासूम, ऑनेस्ट, इनोसेंस ही सोल है। अच्छा, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उसको यहाँ आए, और आपने उसकी आंखों में सच्चाई, लॉयल्टी, प्योरिटी सब देख लिया। वाह भाई, अगर मैं गलत निकला ना तो जो चाहे सजा दे देना। यानी तू मुझे कन्विंस करके रहेगा? देख हमजा, बहुत भागते हैं लड़कियों के पीछे, अब एक से मोहब्बत भी करके। ओए वो वो, अरे भाई जिंदगी बदल जाएगी। मोहब्बत कहां से आ गई? मोहब्बत मैं नहीं करने वाला, मोहब्बत कीजिए आप। मैं जो करूं ना, मुझे वो करने दो। असल में काम कर, अभी शादी कर ले, मोहब्बत बाद में हो जाएगी। सोचने दे, अभी नहीं। अबे घूरना बंद कर यार, थोड़ा टाइम लूंगा ना सोचने के लिए कि शादी करनी है या नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू। यार मुझे तो अबीर बड़ी प्योर और ट्रांसपेरेंसी लड़की लगती है। वो जैसी सादा और इनोसेंट नजर आती है, मुझे लगता है वैसी वो अंदर से भी है। आप कुछ भी समझिए अबीर, लेकिन वाकई आपकी माँ बहुत मजबूर। लोगों को एक खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया था। हमजा और अबीर एक दूसरे से शादी के लिए रजामंद है। और शादी में हम ताखीर इसलिए नहीं कर सकते कि मारुख को वापस भी जाना है। आपने हमजा से पूछा है? हमजा की रजामंदी से ही हम ये बात कर रहे हैं। और आपको भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप अपनी माँ से तस्करा ही कर देते इस बात का? मुझे लगा था आप खुश होंगी इस रिश्ते से। जब दोनों बच्चे खुश हैं तो आपको क्या इतराज है? नहीं, हमें भला क्या इतराज हो सकता है, बहुत खुश हैं। आपका हुक्म सर आंखों। भाभी अगर आपको कोई एतराज है तो हमें बताइए, हमसे कहिए प्लीज। क्या बताएं, आपकी अम्मा ने तो सब कुछ खुद ही खुद तय कर लिया, हमसे पूछना तक गवारा नहीं किया। ये एहसास तक नहीं किया कि हम हमजा की माँ है। फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि फरा सबसे अलग थलग रहती है। मारुख ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो,
तुम यकीन मानो हम बहुत खुश हैं कि अबीर हमारी बहू बन रही है। इस हम में हम शामिल नहीं है। अरे भाई, वो फरीदा का नाम लिखा आपने? लिखिए, बड़ी जल्दी नाराज हो जाती हैं वो। अगर भूल गए सारी जिंदगी ताने सुनना पड़ेंगे। और खालिद का नाम भी लिखिए। जी, लिखती है? लिख लिया है, चलिए शुक्र। अब कार्ड छपने और बांटने का वक्त तो है नहीं, तो हमने तो सोचा कि हम फोन पर ही दावत दे देंगे सबको। जी, यही बेहतर रहेगा। जो करीबी लोग हैं उनको कार्ड भिजवा देते हैं और जो बाकी के उनको फोन पे इनवाइट कर लेंगे। सही है। और आप अपने और हमजा के दोस्तों का नाम जरूर लिख लीजिएगा। जी जी। और हाँ, वो उनको ना भूल जाइएगा जिनका आपने हमसे जिक्र किया था। अरे क्या है, नाम भी तो हम भूल जाते हैं। क्या नाम है जिनको आपने अब तक कुछ बताया ही नहीं है? क्या नाम है उनका? अच्छा, अब इतना शर्माने की भी जरूरत नहीं है। नालायक। सारा। सारा, नाम तो बड़ा प्यारा है। सारा हनान। दादो। क्या मतलब दादो है? क्या मतलब है इसका? भाई उनको जरूर बुलाइएगा, हमें उनसे मिलने का बहुत शौक है। दादो, उन्हें तो नहीं ना मिल सकती हैं आप। क्यों नहीं मिल सकते? जब रिश्ता लेके जाएंगे तब मिल लीजिएगा ना। अरे भाई, इतनी तकरीबें हैं, उनसे कहीं किसी सखी सहेली के साथ आ जाए। भाई हमारा तो बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। अच्छा, आप बेचैन है? इतना एक्साइटेड तो मैं नहीं हूँ जितनी आप हो रही हैं। अच्छा, सब नजर आ रहा है आपके चेहरे से। उनसे कहिए ना आ जाएं। अच्छा, कौन रह गया? हाँ, सारा अन्नान। ये क्या है? तू पढ़ रहा है? पढ़ नहीं रहा, शादी के कपड़े देख रहा हूं। नहीं आने वाली तेरी सारा। क्यों नहीं आने वाली? मैं ऐसे ही कह रहा था। सुन हनान मियां, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज होने वाला है। सरप्राइज तो होने वाला है, इसे भाई अच्छा नहीं किया तूने। इसने दिलों को आसरा दे के। मैंने इन सबको कहा था मेरे पीछे है। चलो, जो होना था हो गया, माफी मांग लेना। क्यों? तो पागल है क्या? मैं क्यों माफी मांगू? ओए, ओए, ओए। तेरे दिल को बड़ा यकीन था कि वो आएगी। इस दबाव के लिए डरता क्यों है इतना है? सुन, ऐलान कर दो। तू ऐसे कह रहा है जैसे शादी का नहीं, ऐलान है जंग करने वाला है तू। भाई तेरा कोई भरोसा नहीं है, तेरी शादी है जंग भी हो सकती है। तू रहने दे, मैं खुद बता दूं उसे। बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी तवज्जो दरकार है। एक गुड न्यूज है, इस हफ्ते हमारे घर में शादी है। मेरी नहीं है, मेरे कजन की शादी है, तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं, इसलिए प्लीज जरूर आइएगा। और मुबारकबाद देने में बिल्कुल मत शर्माइए, दे सकते हैं। मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत जल्द आप लोगों को मेरी तरफ से भी खुशखबरी मिल जाएगी। जा मेरी